भी तो लव स्टोरी शुरू हुई थी और उन्होंने घर में अंदर आना बंद कर दिया। सुहेई, तुम्हें पता नहीं चला सुहेई वापस आ गया? हाँ मुझे पता है, मैं उससे मिलकर आई थी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। अच्छा मैं ताईजान और अम्मी के साथ सायम के घर जा रही हूँ, चलोगी? तुम क्यों जा रही हो? सायम वापस आ गया है। तो वो जेल से छुटकर आया है और तुम उसे और शर्मिंदा करने जाओगी? सुबह क्या हो गया है, तुम ठीक तो हो? रुशना, वो जेल मेरी वजह से गया था, उसने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है। इब्राहिम अंकल को पता चल गया, उन्होंने मेरे से रूडली बिहेव किया और मुझे घर से निकलने को कहा यार। ओ देखो रुशना, तुमने अम्मी को वहाँ जाने से रोकना है प्लीज़। वो ऑलरेडी गुस्से में है, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। थैंक यू। जाने तू ना जाने, तेरी बाहों में हमको सुकून है मिले। माने क्यों ना माने, तेरे होने से ही धड़कने ये चले। सुभी, तुम्हें बता रही हूँ, तुम जहाँ खड़ी हो ना, अपने कदम वहीं रोक दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यार रुशना, तुम मोहब्बत के इतने खिलाफ क्यों? मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, बस ये कह रही हूँ कि मोहब्बत वही अच्छी होती है जो किसी रिश्ते में कैद हो। और तुम भी इन सब के लिए बहुत छोटी हो, ये सब बातें तुम्हें जेब नहीं देती। तुम बुढ़े हो कि मोहब्बत करूँगी क्या? और तुम ना परफेक्ट सुगर बहू, 1960 वाली ख्यालात वाली। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें दानिया भाई ने कभी आई लव यू बोला? ये कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे अभी पढ़ने लिखने के दिन है, उस पर ध्यान दो। अच्छा यार बताओ तुम। अच्छा हाँ बोला है, लेकिन वो मेरे मंगेतर हैं और हमारी शादी होने वाली है, ये मत भूलना। अच्छा छोड़ो, बताओ ना यार तुम्हें फील कैसा हुआ? अच्छा हाँ, अच्छा लगा था बहुत। तुम बात को चेंज मत करो ना, जो मैं बोल रही हूँ उसी टॉपिक पर ध्यान दो। टॉपिक नहीं चेंज कर रही यार, तो मोहब्बत की बात है। सुभी बात मत टालो, अगर फायका आंटी या इब्राहिम अंकल ने कुछ कह दिया ना, तुम्हें पता है इस घर में क्या होगा, अब्बा तुम्हारा हशर कर देंगे। गुड नाइट और डोंट वरी। साइम ने उनको इतनी अच्छी तरह से समझा दिया ना कि वो कभी भी कुछ भी नहीं बोले। अल्लाह मेरी बहन को अक्ल दे दे। तुमसे ज्यादा हुए।